मुतालिका इदारों में वापस भेजने के लिए खत भी लिख दिया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज एके मोहसिन से। एके मोहसिन बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी ये एमडीए है मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि इदारा तरक्यात मलीर है। इसमें बाहर से लोग इतने ज्यादा अफसरान भर्ती किए गए थे कि अभी अंदाजा लगाएं 137 अफसरान को अभी वापस अपने अपने महकमों में भेजा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ऐसे अफसरान जो दूसरे महकमों से आके किसी महकमे में हैं उनको वापस अपने अपने महकमों में भेजा जाए। ये सारा वाक्य यूं हुआ कि इससे पहले वजीर बल्दियात थे शकील इनाम मेमन और मुजफ्फर टप्पी जो थे, इन लोगों के मिली भगत से बड़े बड़े इदारों में जैसे एमडीए है या फिर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडीए है या फिर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, केबीसीए है, इनमें जो है अफसरान की भरमार कर दी गई थी मुख्तलिफ महकमों से लाकर और उन अफसरान की मदद से अपने मर्जी के काम कराए जा रहे थे। मलीर भी चूंकि बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ पे सरकारी लैंड बहुत ज्यादा है जिन पे कब्जों के कई वाकयात हो चुके हैं। तो अभी ये जो खत लिखा है डीजी एमडीए ने कि ताकि जो अफसरान बाहर से लाए गए थे उनको अपने अपने महकमों में वापस भेजा जा सके, तो इससे तकरीबन इदारा खाली हो जाएगा। लेकिन इदारे के जो बेसिक मुलाजमीन है वो तो खैर रहेंगे और अपना तकियात का काम भी जारी रखेगा, लेकिन इतना ज्यादा बाहर से आए हुए जो अफसरान थे उनको वापस कर दिया है। 137 मुलाजमीन को मुतल्लिका इदारों में वापस भेजने के लिए खत लिख दिया गया है। एके मोहसिन हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।